आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है। डी फोर माइनस फोर डी क्यूब माइनस सेवन डी स्क्वेयर प्लस 22 डी प्लस 24 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इसको एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन डी इक्वल टू एम एंड वाई इक्वल टू वन। तो ये इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगी एम फोर माइनस फोर एम थ्री माइनस सेवन एम स्क्वेयर प्लस 22 एम प्लस 24 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड इसको सॉल्व करने के लिए हमने सम थर्ड डिवीजन जो है वो यूज करना होता है, तो उसको हम यहां पे यूज करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन दोस्तों। यहां पे एम फोर का कोएफिशिएंट आ रहा है 1, यहां पे -4, यहां पे -7, ये 22 और ये 24। अब अगर हम इन सबको सम करें तो सम करने से इनका जो आंसर है वो इक्वल टू 0 आ जाए, तो फिर हम इसको डिवाइड करना होता है 1 के साथ। अगर सबका सम करने से वो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो फिर हमने इसको 1 के साथ नहीं -1 2 -2 इन सबके साथ जो है वो करना होता है। तो यहां से भी नजर आ रहा है कि इन सबका जो सम है वो इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये 1 के साथ डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको -1 के साथ करेंगे डिवाइड। तो पहले एलिमेंट को हम वैसे लिखते हैं, तो ये 1 वैसे का वैसे स्टूडेंट आ जाएगा। फिर -1 को 1 से करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा -1, तो यहां पे हम लिख देंगे -1। ये दोनों ऐड होंगे स्टूडेंट, जो क्या बन जाएगा -5। अब -1 -5 से हो गया +5, तो यहां पे ऐड हो जाएगा, यहां से -2 आ जाएगा। अब -1 -2 से हो गया यहां पे +2, तो ये 24 बन जाएगा। और -1 24 से होकर स्टूडेंट आ जाएगा -24, यहां पे आ जाएगा 0। तो अगेन हमने इसको डिवाइड करना है। अगेन देखो स्टूडेंट, अगर हम इन सबको ऐड करें तो ऐड करने से 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 1 के साथ नहीं होगा, ठीक है। फिर हम इसको किसके साथ करना होता है, -1 के साथ करना होता है। जब हम स्टूडेंट इसको -1 के साथ करेंगे तो ये -1 के साथ भी नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने लास्ट क्वेश्चन किए हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपने इसको -1 से करना है, -1 से करना है। अगर -1 से नहीं हो रहा फिर आपने 2 के साथ करना है, 2 से फिर -2 से करना है। ये सारा कवर में कहां पे करना होता है, रफ साइड पे, जिसके साथ वो डिवाइड हो रहा होता है हमने डायरेक्ट उसके साथ ही डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम इसको -1 के साथ करेंगे, सुनिए -1 के साथ है, नहीं होगा। अब हम इसको -2 के साथ चेक कर लेते हैं, तो हम इसको कर देंगे -2 के साथ डिवाइड, तो ये 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। -2 1 से होकर सुन क्या आ जाएगा -2, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -7। अब -2 को -7 से करेंगे प्लस 14, 14 में से 2 निकाल देंगे तो यहां पे आ जाएगा 12, और 12 को -2 से करेंगे तो -24, तो यहां पे स्टूडेंट क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से फिर हमें m की दो वैल्यू स्टूडेंट मिल गई, कौन सी, एक स्टूडेंट m की वैल्यू हमारे पास आ गई -1 और दूसरी हमारे पास आ गई -2। तो ये हमारे पास रह गई डिप्रेस्ड इक्वेशन, तो यहां पे हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, कौन सी डिप्रेस इक्वेशन हमारे पास, एम स्क्वेयर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल टू
जीरो। तो ये हमारे पास डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई है। अब स्टूडेंट हम इसके जो है फैक्टर बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर स्टूडेंट बन जाएंगे एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम माइनस फोर एम प्लस 12 इक्वल टू जीरो। अब यहां से स्टूडेंट एम जो है वो कॉमन आ जाएगा, जब हम m को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा m माइनस थ्री। अब इन दोनों में से स्टूडेंट 4 जो है वो कॉमन आएगा माइनस फोर, तो यहां पे आ जाएगा m माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब दोनों में से m माइनस फोर को स्टूडेंट हम कॉमन सॉरी m माइनस थ्री को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा m माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब इनको लेदर लेदर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो m माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और यहां से m माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो यहां से स्टूडेंट m की वैल्यू आ जाएगी थ्री और यहां से m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी फोर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास m की फोर वैल्यूज आ गई। अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स सॉरी सी वन e की पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर थ्री एक्स सी फोर ई की पावर फोर एक्स। तो ये स्टूडेंट इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाएगा। अगर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट डी फोर प्लस फोर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। डी फोर प्लस फोर इंटू वाई इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट d इक्वल टू m एंड y इक्वल टू वन। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस तरह से बन जाएगी m 4 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। अब ना तो इसके स्टूडेंट फैक्टर बनते हैं ना ही ये सम तरह डिविजन के मेथड से सॉल्व होगी, तो फिर हम इसको कोई थर्ड वे जो है वही फाइंड करना पड़ेगा जिससे ये सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करेंगे इसका फॉर्मूला जो है वो स्टूडेंट कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये m 4 आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं m 2 की पावर 2, 2 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ही होगा प्लस 4 जो ये होता है 2 का स्क्वायर। अब देखें तो फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हमारे पास अगर यहां पे देखें तो a का स्क्वायर भी है b का स्क्वायर भी है लेकिन हमारे पास 2ab की वैल्यू नहीं है। अब a की वैल्यू यहां पे स्टूडेंट हमारे पास देखो अगर हम यहां पे पुट करें ये 2 वैसे का वैसे ही a की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है m स्क्वायर और b की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई बन जाएगा 4m स्क्वायर। तो यहां पे हमें चाहिए 4m स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट हम यहां पे 4m स्क्वायर को प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2m होल का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखो स्टूडेंट हमारे पास अगेन फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो इसको हम एक बार माइनस में लिख सकते हैं एक बार प्लस में। तो ये इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस टू माइनस टू एम। अब एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे
एम स्क्वेयर प्लस टू प्लस टू एम इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों को हम अलग अलग इक्वल टू जीरो पुट करेंगे स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा जी एम स्क्वेयर माइनस टू एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, और यहां से ये आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस टू एम और प्लस टू इक्वल टू जीरो। असल इनके फैक्टर नहीं बनते तो हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहां पे सुनो ए की वैल्यू आ रही है वन, बी की वैल्यू माइनस वन और सी की वैल्यू टू। यहां पे सुनो ए की वैल्यू आ रही है वन, बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू टू। सॉरी यहां पे भी बी की वैल्यू भी माइनस टू है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला सुनो हमारे पास होता है एक्स, सॉरी एम में आ रहा है, तो एम इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। सेम इधर भी हमारे पास फार्मूला आएगा एम इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। अब यहां पे हम वैल्यू रखेंगे तो सुनिए आ जाएगा एम इक्वल टू, ये माइनस टू है, इस माइनस टू से मल्टीप्लाई होके प्लस टू प्लस माइनस माइनस टू का स्क्वेयर सुनो यहां पे क्या आ जाएगा फोर, और टू इस फोर से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा माइनस एट ओवर ए की वैल्यू वैसे ही मानना तो यहां पे आ जाएगा टू। अब सेम सुन हम इस वाली वैल्यू को भी सॉल्व करेंगे, तो जब यहां पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस फोर और माइनस एट ओवर टू। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा m इक्वल टू टू प्लस माइनस माइनस फोर ओवर टू, और ये m इक्वल टू टू प्लस माइनस ये आ जाएगा टू एओटा ओवर टू। अब दोनों में से टू को कॉमन निकालेंगे तो वन प्लस माइनस एओटा ओवर टू, और ये कैंसिल होके एम इक्वल टू वन प्लस माइनस एओटा ये वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह सुना हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एम इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस माइनस फोर ओवर टू, तो यहां से ये भी माइनस टू प्लस माइनस टू एओटा ओवर टू, यहां से भी टू स्टूडेंट कॉमन आ जाएगा तो माइनस वन प्लस माइनस एओटा ओवर टू, ये कैंसिल होके एम इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस एओटा, तो ये हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, हम इनको लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन, तो यहां हम लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, तो यहां पे देखो हमारे पास कितनी वैल्यू स्टूडेंट आ गई है प्लस माइनस एओटा ये आ रहा है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे c वन सॉरी e की पावर x, और यहां पे c वन cos x प्लस C2 साइन एक्स प्लस, अब ये को मैं नीचे करके इसको लिख देता हूं, ये हमने कॉम्प्लेक्स दोनों हमारे पास कॉम्प्लेक्स आए हैं तो ये वाला जो लिखा है वो इसके लिए लिखा है, अगर सेंटर में प्लस अब इसके लिए लहरा से आएगा, ये भी क्या आएगा हमारे पास यहां पे माइनस वन आ रहा है तो e की पावर माइनस एक्स, और C2 था यहां पे C3 कोज एक्स प्लस सी फोर साइन एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखो स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स है, और ये भी हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के लिए हमने हमें पता हमने लिखा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है वाई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, और सी वन कोज बी एक्स प्लस सी टू साइन बी एक्स। तो
यहाँ पे ये भी हमारे पास कम्प्लेक्स आ रहा था, ये भी कम्प्लेक्स, तो इसके लिए ये आ गया प्लस, फिर इसके लिए हमने ये लिख दिया, तो ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जनरल सोल्यूशन जो है वो निकल आएगा।